बकरे के दिल पर आपने एक वजीफा पढ़ लेना है, फौरन आपके सामने अमारा परी हाजिर होगी और आपकी नसीब और तकदीर बदल देगी, आपके तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगी, आपकी हर मुराद पूरी करेगी, आपकी हर वो जायज़ नाजायज़ काम करेगी जो आप चाहेंगे। इस अमल को कैसे करना है, कब करना है, तो चलिए आप भाइयों को बताते हैं। इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है, हिंदू भी कर सकते हैं और मुस्लिम भी कर सकते हैं। इस अमल के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, इस अमल में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में ज़कात की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में हसार लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है और अमारा परी को हाजिर करके अपने तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, अपने तमाम मुश्किलात परेशानियां हल करा सकता है, अपने तमाम जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करा सकता है। तो चलिए अब आपको अमल बताते हैं। अमल में करना ये है कि आपने एक अदद बकरे का दिल लेकर आना है। याद रहे ये अमल रात के वक़्त का अमल है, इस अमल को करने के लिए कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी दिन के रात के वक़्त इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को आप किसी भी जगह पर कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर के कमरे में कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर के छत पर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आपने अकेले में तन्हाई में इस अमल को करना है। इस अमल का जो टाइम है वो रात के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का है। अमल में करना ये है कि आपने एक अदद दिल लेकर अपने सामने रख लेना है और आपने इसके चारों तरफ मोमबत्तियाँ जला देनी हैं और कमरे में अंधेरा होना चाहिए। आपने इस अमल को अंधेरे में करना है। अमल में करना ये है कि आपने ये जो स्क्रीन पर मंत्र आ रही है, आपने इस मंत्र को इस दिल के ऊपर 2001 मरतबा पढ़ लेना है। याद रहे जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आपकी आँखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आँखें खोल कर इस अमल को करेंगे तो आपको डराने की कोशिश की जाएगी, आपको भयानक चेहरे नज़र आने लगेंगे, आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई जाएंगी ताकि आप अपने अमल से उठें। याद रहे आपने डरना नहीं है, आपने अमल से नहीं उठना, आपने अपनी तादाद कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही आप अपनी तादाद कंप्लीट करेंगे आपके सामने अमारा परी हाजिर होगी और वो दिल को उठा लेगी, क्योंकि वो दिल की बहुत शौकीन होगी और आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया। आपने सबसे पहले उससे दोस्ती करनी है, उसके बाद आपने उससे पूछना है कि वो दोबारा आपके सामने कैसे हाजिर होगी, उसके बाद आप जितने भी अपने ख्वाहिशात का इजहार करेंगे वो आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगी, आपकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करेगी, आपकी हर वो बात मानेगी जैसे आप चाहेंगे, वो पूरी ज़िंदगी आपका ही ग़ुलाम बनकर रहेगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप भाइयों को फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलूँगा एक खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।